क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसा भी जब जब मात्र 2 महीने के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कल नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है उसमें शिरकत करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पहले ये कॉल दी थी कि तमाम जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं इंडिया अलायंस के पार्टनर, वो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, और उसमें ये भी कहा गया था कि हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन ने ये फैसला किया है कि कल की नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं अपने राज्य की हित की बात वहाँ जाकर रखूँगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में खटपट जारी है। कांग्रेस का जो राज्य की जो लीडरशिप है उसने हेमंत सोरेन को ये कहा है कि आपके हाल में ही लिए गए 2 फैसलों को लेकर हमको आपत्ति है। सबसे पहला फैसला है हाल में ही अनुराग गुप्ता की हुई अपॉइंटमेंट एस डीजीपी के तौर पर जो नियुक्ति की गई है अनुराग गुप्ता की, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आपने हमसे सलाह मशवरा नहीं लिया, हमको लूप में नहीं लिया गया, और यहाँ तक कि जो अनुराग गुप्ता हैं वो जो हैं उनको करीबी बताया पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुबर दास के, जो कि पूर्व में भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा फैसला जो है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है वो है हाल में ही झारखंड के असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने, जो जेपी पटेल हैं जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनको डिसक्वालीफाई किया एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, दल बदल कानून के तहत। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। उनका कहना है कि इस फैसले को डिले किया जा सकता था 2 महीने तक, जैसे कि अन्य मामलों के अंदर रुख अपनाया गया है और जानबूझकर एक कांग्रेस एमएलए को टारगेट किया गया। अब कई लोगों का ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम चीज़ों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की और इसके बाद जेएमएम की तरफ से ये फैसला किया गया कि वो भी अब शामिल होंगे नीति आयोग की बैठक के अंदर। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो बैठक में शामिल होंगी। उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। जाहिर है ये बड़ा झटका है विपक्षी एकता के लिए, जिसको हाल में हमको देखने को मिला था लोकसभा चुनावों के समय में भी। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की जो राह है, यानी जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो कितना टिक पाता है और क्या दोनों पार्टियां अपने मनमुटावों को दूर कर आने वाला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ती है या नहीं। अंकित के साथ मैं राहुल गौतम, चुनाव तक के लिए।